assalamu alaikum dear students welcome to all of you in calculus course the recommended text for this course will be thomas calculus 12th edition and we will use this book throughout the course and inshallah uh, you will learn a lot during this complete course First of all, we will start from chapter one. Chapter one is Functions. First chapter is about functions. subsequently, functions. और उनके ग्राफ्स इससे पहले भी मेरे इसी चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर चैप्टर वन की जो वीडियोस हैं उसमें फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को डिस्कस किया गया है डिफरेंट क्लासेस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया आज फिर से कैलकुलस में uh, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो फंक्शन की ही करेंगे फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास वो इसकी डेफिनेशन इसके अंदर यूज होने वाले स्पेसिफिक जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन उनकी ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं उसकी बेसिक रीजन भी यही है कि जब भी हम कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस का मतलब है कि इन सेंस तो ये कैलकुलस जो होती है इनफानाटासीमल कैलकुलस भी इसको कहते हैं और इन्फानाटासीमल कैलकुलस का मतलब होता है कि इन्फानाटासीमल कहते हैं वेरी स्मॉल को और कैलकुलस कॉन्टीन्यूस जो चेंज है हमारे पास ठीक है ना इसका मतलब ये हो गया कि हम जो कॉन्टीन्यूस चेंजेस हैं वेरी स्मॉल लेवल पे उसको डिस्कस करते हैं और उसमें फिर फर्दर दो तरह की चेंजेस होती हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ डेफिनेशन यूज़ करते हैं किस चीज़ की और अप्लीकेशन डेरीवेटिव की और इंटीग्रेशन की तो डेरीवेटिव जिसमें डिस्कस होता है उसको डिफरेंशियल uh, कैलकुलस और जिसमें इंटीग्रेशन यूज़ होती है उसको इंटीग्रल कैलकुलस का नाम देते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं इंफाइटा स्मॉल चेंजेस की स्मॉल uh, चेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ

एक यूनिक एफ ओफ एक्स होता है तो इसको हम फंक्शन का नाम देते हैं फंक्शन की एक और डेफिनेशन आप लोग इंटर क्लास में पढ़ के आएंगे फंक्शन इज अ रूल और दैट ऑफ क्रॉस एलिमेंट ऑफ वाई इन वाई वो भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं और जब भी आप फंक्शन को लिखा हुआ देखें कहीं पर वाई एक्स टाइप में तो इसका मतलब ये होता है कि वाई इज एफ ओफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स पढ़ते हैं और या फिर वाइज फंक्शन ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं दोनों ही बातें इसके अंदर जो एक्स होता है इसकी वैल्यू आपने अपनी मर्जी से देनी होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके हिसाब से वाई की जो वैल्यूज चेंज होती हैं तो वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है एक्स पे तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाद हमारे पास हमने ये कह दिया कि जो एफ है ये किसी सेट डी से वाई पर हमारे पास जो है ना एक फंक्शन है जो ई e, डी के एलिमेंट को किसके साथ अटैच कर रहा था वाई के एलिमेंट के साथ अटैच कर रहा था ये हमारे पास लेट सपोज एफ कोई भी फंक्शन है फ्रॉम डी टू वाई अच्छा इसमें फिर फर्दर क्या चीज होगी जो डी के तमाम एलिमेंट्स है, वो के हैं वो डोमेन कहलाते हैं डी के तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं डोमेन और

बी सी डी तो जब क्रॉस्पॉन्डेंस इनकी होगी कि वन जो है लेट सपोज ए पे जाके मैप कर गया टू जो है वो बी पे जाके मैप कर गया थ्री जो है वो बी जाके बी पे मैप कर गया तो अब देखे वन टू थ्री को जब अप्लाई करवाया है तो ए और बी यूज हुए हैं तो ए और बी अगर यूज हुए तो सी और डी तो नहीं यूज हुए तो वन टू थ्री इसकी डोमेन है और ए बी इसकी रेंज है तो रेंज के अंदर क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं यूं कि जो एलिमेंट यूज हुए हैं उनको हम रेंज का नाम देते हैं ओके okay. हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं किस टाइप के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं देखें जो फंक्शन है हमारे पास वो जस्ट लाइक अ मशीन एक्ट कर रहा होता है जिसमें आप लोग कुछ इनपुट देते हैं और इन रिटर्न वो आप लोगों को कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं आप लोग उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं इन रिटर्न वो आप लोगों को कोई ना कोई आंसर दे रहा होता है और जिसमें हमारे पास बात कर रहे होते हैं कि नेचुरल नंबर आप लोगों के डोमेन ऑफ डेफिनेशन होती है तो उनको नेचुरल डोमेन का नाम देते हैं यहाँ पर हम ये बात कर रहे होते हैं तो जिस तो अर फंक्शन है और एक्स की वैल्यू आप लोगों ने टू या टू से ज्यादा देनी है तो आप लोग टू वैल्यू पुट करेंगे तो टू स्केयर फोर आएगा फिर टू से बड़ा जो भी नंबर इसमें के अंदर आप लोग पुट करते जाएंगे उसी हिसाब से आंसर उसका बड़ा होता चला जाएगा इसका मतलब है कि इसके जो आंसर आएंगे फिर जो वाई आएगा या जो रेंज आएगी या जो आंसर आएंगे वो फोर और उससे बड़े होंगे अब फोर के पास जो है ये हमारे पास क्लोज ब्रैकेट है ठीक है स्केयर ब्रैकेट जिसको आप लोग बोलते हैं

एक्स के लिए अगर कोई भी फंक्शन डी से वाई की तरफ है ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई थी डी जब मैप होता है वन अगर मैप हुआ है वन का आंसर आया तो वन ए पे मैप कर रहा है तो इसका मतलब ए का मतलब है है कि एफ वन है, कि ऑफ फंक्शन जब वन पे अप्लाई हुआ तो ये आंसर आया यानी कि देखें ए जब अप्लाई ए के ऊपर एफ अप्लाई हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसका नाम एफ ऑफ ए होगा एक्स जब किसी नंबर पे अप्लाई हो और आंसर जो आएगा एफ ऑफ एक्स होगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास इसके आंसर होंगे ये कुछ डोमेन्स एंड रेंजेज हैं कुछ फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड uh, करने के लिए आप लोगों के कि डोमेन से मुराद वो तमाम वैल्यूज हैं जो किसी भी फंक्शन को असाइन की जा सकती हैं और रेंज से मुराद वो वैल्यूज़ हैं जो ये वैल्यूज असाइन करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं जो आंसर आते हैं उनको हम रेंज का नाम देते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स y equal to x square है तो जब आप 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 लोग y पुट करते हैं तो डोमेन से मुराद है कि आप इसमें x अब कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिस पे आप लोगों को कोई ना कोई ना डिफाइंड आंसर देता है तो भाई हम इसमें x की जगह पे जो मर्जी वैल्यू चाहें सब्सिट्यूट कर सकते हैं हम चाहें तो इसमें माइनस की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं चाहें तो प्लस की वैल्यूज पुट कर सकते हैं और यह हमें हर वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई आंसर देगा इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी इसी तरह जो रेंज होगी ये इवन फंक्शन है क्योंकि स्केर आया हुआ है नेगेटिव भी पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा और बाकी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा आपने तीन चीजों का ख्याल रखना है कि क्या आंसर जीरो आ जाएगा क्या आंसर पॉजिटिव आएंगे क्या आंसर नेगेटिव आएंगे हां जी जीरो इसमें आएगा एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि है, इवन है, तो इवन फंक्शन में जब भी आप लोग पॉजिटिव रिटर्न आप लोगों को आप लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी लिख सकते हैं या जीरो टू तो इंफिनिटी इस तरह भी लिख सकते हैं और जीरो के साथ ये स्केयर ब्रैकेट लगानी है जिसका मतलब ये होगा कि जीरो जो है वो इंक्लूडेड है ओवर एक्स का क्या मतलब है कि इसमें आप लोग तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पे लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप लोग इसमें जीरो पुट करें तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड आ रहा है मतलब जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है बाकी तमाम जगहों पे फंक्शन डिफाइन है तो इसकी माइनस टू तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये ओपन इंटरवल है और यूनियन जीरो से इन्फिनिटी जीरो पे ब्रेक लगा दी है कट लगा दिया है और वो किस वजह से लगाया है क्योंकि जीरो इसका आंसर नहीं आएगा जीरो इसके अंदर पुट नहीं कर सकते तो इस वजह से जीरो को माइनस कर दिया है यह भी लिखने का इसका प्रोसीजर है या फिर एक प्रोसीजर यह भी है कि आप लोग इसको यूं लिख लें कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यूं लिख लें और इसमें से आप लोग क्या कहें कि एक एलिमेंट जीरो जो है वो इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे तो उसको आप लोग एक्सक्लूड कर दें तो ये जीरो उसमें से क्या कर देंगे कर देंगे तो ये भी प्रोसीजर है दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप लोग सेट ऑफ रियल नंबर पूरे का पूरा यू लिख लें माइनस जीरो लिख लें तो जो जहां पे माइनस इन्फिनिटी इंफिनिटी नजर आ रहा है ना उसके जगह पे आप लोग रियल नंबर भी लिख सकते हैं तो ये भी इसका एक प्रोसीजर है ओके फिर, इसी तरीके से हमारे पास जो आंसर आएंगे इसके वो क्या आएंगे तो आंसर याद रखें कि माइनस रखेंटी टू जीरो है और जीरो टू इंफिनिटी है इसके भी पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे लेकिन अब जीरो नहीं आ सकता इसका आंसर कभी भी क्योंकि जीरो तो इसका आंसर बनता ही नहीं किसी तरीके से ऊपर हमारे पास वन है तो इसकी रेंज भी वही होगी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जीरो यूं भी लिख सकते हैं या जिस तरह इसने लिखा हुआ है आप लोग इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं ओके okay, उसके बाद है स्केयर रूट अच्छा स्केयर रूट जब भी हमारे पास स्केयर रूट आप लोगों के पास आएगा इसका मतलब आंसर हमारे पास इसके आने हैं पॉजिटिव टाइप के अच्छा पॉजिटिव टाइप के आएंगे एक्स के रूट है तो हम इसके अंदर एक्स की वैल्यू तमाम पुट कर सकते हैं लेकिन वो वैल्यूज पुट नहीं कर सकते जिस पे इसका आंसर नेगेटिव तो जीरो टू इंफिनिटी और इसके जो आंसर्स आएंगे वो भी जीरो टू इंफिनिटी आएंगे फोर माइनस एक्स होल्स के रूट तो इसके अंदर हम तमाम वैल्यूज वो पुट कर सकते हैं जिस पे ये आंसर पॉजिटिव रहे तो फोर माइनस एक्स के रूट कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा या किन किन नंबर पे पॉजिटिव रहेगा तो साइड पे इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि फोर माइनस एक्स कब कब पॉजिटिव होगा एक्स को परे ले जाएं जब जब एक्स लेस देन 4 होगा x लेस देन 4 रहेगा तो आंसर पॉजिटिव रहेगा x लेस देन 4 का मतलब होता है माइनस इनफिनिटी से लेकर 4 तक और 4 से लेस है अच्छा जहां पे पॉजिटिव रहे या इक्वल टू 0 भी रहे ग्रेटर या इक्वल टू 0 क्योंकि 0 भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो सॉल्व हो सकता है तो 4 भी इंक्लूडेड रहेगा तो माइनस इनफिनिटी टू 4 इसका जो है वो डोमेन आ जाएगी और जो आंसर आएंगे स्केयर रूट वाले के हमेशा जीरो टू इन्फिनिटी पॉजिटिव आंसर की बात होती है तो ये उसकी रेंज हो जाएगी वन माइनस एक्स केयर होल स्केयर रूट वाई है इसकी डोमेन क्या होगी डोमेन अच्छा ये फिर वही बात कि इसकी डोमेन वो फंक्शन होंगे जहां पे ये आंसर पॉजिटिव रहे वन माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो या एक्स लेस आर इक्वल टू वन एक्स के लेसर इक्वल टू वन का मतलब ये होता है कि एक्स मॉड लेसर इक्वल टू वन और एक्स मॉड लेसर इक्वल टू वन का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू वन से लेकर लेसर इक्वल टू वन और ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन तो माइनस वन से वन के दरमियान तो ये माइनस वन से वन के दरमियान इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी और इसके जो आंसर आएंगे आप माइनस वन से वन के वैल्यूज पुट करके देखें तो इसके आंसर रहेंगे तो पॉजिटिव लेकिन इसका आंसर वन से बड़ा कभी भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि X की वैल्यू भी 1 से बड़ी पुट ही नहीं करनी तो इसके जो आंसर आएंगे वो जीरो टू वन आएंगे ये है इन फंक्शन की डोमेन एंड रेंजेस की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और क्रॉसपॉन्डिंगली कौन कौन से आंसर आते हैं तो इनके सोल्यूशन के अंदर उसी तरीके से उसने वैल्यूज दी हुई है आपने जस्ट डोमेन और रेंज बताने है उनके उसके बाद फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए जरूरी होता है कि आप लोग इसके डिफरेंट वेज हैं कि हम क्या करें एक तो यह प्रोसीजर है कि हम वाई इज इक्वल टू एक्स केयर ये साइड का ग्राफ बना हुआ ये देखें फिर बाकियों का ग्राफ बताते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स केयर है तो आप माइनस थ्री से थ्री तक या माइनस टू से टू तक एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रख रख के देखें क्या आंसर क्या आएंगे

इन दोनों को अवॉइड करना है इन दोनों साइड ये जो नजर आ रही है इन दोनों को अवॉइड करते हुए हमने क्या काम करना है हमने काम ये करना है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हो. हो? हो. से तमाम ग्राफ बनाए जा सकते हैं पहली बात तो लेकिन अगर इस टाइप का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है हमारे पास ठीक है ना तो इसका एक तो वही प्रोसीजर है कि आप लोग माइनस टू से टू तक डिफरेंट वैल्यूज पुट करके उनको आपस में ज्वाइन कर लें लेकिन जिसमें वाई भी हो और X भी हो और लीनियर फॉर्म में हो तो उसका एक और तरीका ये होता है कि आप एक्स को जीरो पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या आगे टू तो एक यानी कि एक्स को जीरो पुट किया वाई की वैल्यू आगे टू तो एक पॉइंट ये हो गया फिर वाई को जीरो पुट कर लें और एक्स की वैल्यू निकाल लें एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी जब वाई को जीरो पुट किया तो ये दूसरा पॉइंट बन गया तो हमारे पास माइनस टू जीरो आप लोग मिलाएंगे तो ये जो है ये हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो की टू है यहां पे वाई की जीरो है और एक्स की वैल्यू माइनस टू है तो ये दोनों पॉइंट्स है इन दोनों को आपस आपDay... में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ भी आ जाएगा वरना वही प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं कि -2 से 2 तक डिफरेंट वैल्यूज़ की रख के के देखें, के जो आंसर उनको आपस में मिला दें तो तब भी यही ग्राफ बनता हुआ हमें नजर आ रहा होगा ओके okay, जी एक तो ये वे हो गया कि ग्राफ हमने ड्रा करने हैं और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए ग्राफ जो है वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइंस में बनता हुआ नजर आएगा उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट किसी भी फंक्शन के लिए क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हम ग्राफ बनाने के बाद फंक्शन के उस उस ग्राफ के अंदर किसी जगह भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें अपनी मर्जी से और अगर वो लाइन ग्राफ को मैक्सिमम सिंगल पॉइंट पे कट कर रही हो जैसे कि इन दोनों में हो रहा है ठीक है ना एक पॉइंट पे कट कर रही हो तो वो ग्राफ जो है वो फंक्शन का ग्राफ होगा लेकिन जैसा कि यहाँ पर देखें कि उस ग्राफ को दो जगह पे कट कर रही है वर्टिकल लाइन तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा तो फंक्शन को चेक करने के लिए हम हमेशा वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं ये देखें इसमें भी आप लोग वर्टिकल लाइन ड्रा करके देखें तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है इस चीज को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है तो सेमी सर्कल यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है सेमी सेमी सर्कल 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 हाफ को कहते हैं ये सर्कल की इक्वेशन है ये हाफ हाफ सर्कल सेमी सर्कल ये अपर सेमी सर्कल है ये लोअर सेमी सर्कल है तो लोअर और अपर सेमी सर्कल दोनों ग्राफ हैं और ग्राफ ऑफ फंक्शन है जबकि पहले वाला जो सर्कल है दिस इज नॉट ग्राफ नाट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन पहले वाला फंक्शन का ग्राफ नहीं है बल्कि अगले दोनों फंक्शन के ग्राफ हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या चीज होती है तो याद रखें पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बाजा ऐसा होता है कि दरमियान में किसी जगह पर ब्रेक्स होते हैं उस पॉइंट से पहले डेफिनेशन कुछ और होती है उस पॉइंट के बाद डेफिनेशन कुछ और जैसे कि फंक्शन है मॉड फंक्शन तो मॉड फंक्शन में देखें x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो से जीरो या जीरो से आगे उसकी वैल्यू वही आती है जो नंबर की वैल्यू है एक्स की वैल्यू है जीरो से पीछे पीछे उसकी वैल्यू वो होती है नेगेटिव ऑफ एक्स यानी कि एक्स मॉड बराबर होता है एक्स के जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो बराबर होता है माइनस एक्स के जब एक्स लेस देन जीरो तो एबसुलूट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है एबसुलूट वैल्यूड फंक्शन कि जिसमें जीरो से आगे इसकी डेफिनेशन सेम नंबर आते हैं जीरो से पिछले नंबर के लिए उसका उल्ट हो जाता है number. जैसे कि थ्री है ना थ्री का मॉड क्या आएगा थ्री माइनस थ्री का मॉड क्या आएगा माइनस थ्री का मॉड जब लेना है तो माइनस थ्री के मॉड का आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ माइनस थ्री यानी कि आप ये कह लें मैं यहां पे इसको लिख देता हूं कि मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ थ्री का मॉड एवेलुएट करना चाह रहा हूँ ये देखें ये पॉजिटिव में है तो इसका आंसर तो वही आ जाएगा लेकिन अगर मैं माइनस थ्री का मार्ड लेना चाह रहा हूं तो तब ये नेगेटिव के लिए क्या आएगा नेगेटिव ऑफ दैट नंबर जिस नंबर का मार्ड ले रहे हैं उसका नेगेटिव तो आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आंसर दोनों सूरतों में पॉजिटिव रहेगा लेकिन हमें डेफिनेशन पे फोकस करना है कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि नेगेटिव ऑफ दैट नंबर तो ये हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन आ गई है तो हमें फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के जीरो से आगे कुछ और वैल्यू डिफाइन थी जीरो से पीछे कुछ और वैल्यू डिफाइन थी ये देखें ये फंक्शन है कि जीरो से पीछे पीछे माइनस एक्स है जीरो से वन के दरमियान एक्स केयर वाला बिहेवियर है वन से आगे आगे आंसर सबका वन है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ज़ीरो से पीछे तो आप इसको यूं ड्रा कर लें ये मैं फिर ग्राफ की तरफ भी आता हूं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं कि जहां पे ब्रेक्स लग रही होती हैं आप उन पॉइंट्स को ज़रूर ज़रूर कंसीडर करें आप यूं करके टेबल छोटा सा एक ड्रा कर लें यहां पर एक्स की वैल्यूज रखेंगे आप लोग यहां पर एफ ऑफ एक्स या वाई दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अब जीरो से पिछले नंबर्स के लिए आप देख लेना कि दे लहर सपोज माइनस टू ले लिया माइनस वन ले लिया जीरो ले लिया वन ले लिया जीरो से वन के दरमियान कुछ और है तो जीरो पॉइंट फाइव ले लिया वन ले लिया टू ले लिया थ्री ले लिया 1.5 भी ले सकते हैं درمیان में अच्छा -2 जब पुट करेंगे तो -2 पे नेगेटिव ऑफ दैट नंबर आएगा यानी कि 2 आ जाएगा -1 पे 1 आ जाएगा 0 0 जब आ गया तो 0 इस डेफिनेशन पे अप्लाई होगा 0 का स्क्वायर आंसर 0 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर देख लें क्या आएगा 0.25 तो 0.25 अच्छा 1 है तो वन भी इसी में पुट होगा वन का स्केयर टू पे भी आंसर वन थ्री पे भी आंसर वन तो आप जब इसको ड्रा करेंगे माइनस टू पे और माइनस वन पे तो ये माइनस टू पे आंसर टू माइनस वन पे आंसर वन तो और जीरो पे अगले पे आंसर जीरो तो पहली बात ये तो स्ट्रेट लाइन बन गई ये ग्राफ अच्छा आगे जीरो पे ज़ीरो है जीरो पॉइंट फाइव पे यानी कि यहाँ कहीं पर जीरो पॉइंट टू फाइव है और वन तक जाते जाते वन हो गया तो आपको अगर एक्सकेयर का फंक्शन याद है ना तो उसका बिहेवियर यू था ठीक है जो रीजन से पास कर रहा था ये एक्सकेयर का फंक्शन था ना सॉरी ये इस टाइप का तो उसका एक पार्ट आ गया वन तक मतलब इतना हिस्सा वही एक्सकेयर वाला फंक्शन आ गया अच्छा उससे आगे इक्वल टू वन आगे वैल्यू वन 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 ही रहेगी हमेशा तो इस तरीके से तीन मुख्तलिफ टाइप की डेफिनेशन एक ही ग्राफ के अंदर भी यूज कर ली गई है तो ये बिहेवियर भी आप लोगों ने देखना है इस टाइप की ग्राफ भी बनाने आने चाहिए अच्छा उसके बाद फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके बाद एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीजर फ्लोर फंक्शन एक डेफिनेशन बड़ी ही अहम है कि अक्सर आता है कि कौन सा फ्लोर फंक्शन है इसमें कौन सा जो है वो सीलिम uh, फंक्शन है एक सीलिंग फंक्शन होता है और एक फ्लोर फंक्शन होता है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो ये क्या करता है और दूसरा क्या करता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना और या जिसे आप लोग कह लें कि इंटीजर फ्लोर फंक्शन होता है ये हमारे पास 2.4 है वन है कोई भी पॉइंट में नंबर है या कोई और नंबर है ये उससे छोटा मुकम्मल नंबर हमें आंसर देता है यानी कि आप 2.4 पे चेक करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा 1.2.5 पे चेक करेंगे आंसर 2 मिलेगा, मिलेगा। यानी कि उससे छोटा जो एग्जैक्ट नंबर था 1.9 पे चेक करेंगे 1 मिलेगा 0 पे चेक करेंगे 0, 2 पे चेक करेंगे 2, 1.2 पे चेक करेंगे 1 माइनस वन पे चेक करेंगे तो उससे छोटला माइनस हो रहा है तो ये उससे छोटे मुकम्मल नंबर पे ले जाता है और जो सीलिंग फंक्शन होता है वो उससे अगले कंप्लीट नंबर पे ले जाता है आप लोगों को मतलब सीलिंग अगर इसी तरीके से फंक्शन हो उसकी उसका सैम्बल कैसे होता है उसकी यहां पे एग्जाम्पल मुझे नजर नहीं आई तो सीलिंग की बता देता हूं इस, ये सैम्बल सीलिंग का है उसमें फ्लोर में निचली ब्रैकेट बनी हुई होती है इसमें ऊपर वाली तो सीलिंग अगर 1.5 की या वन पॉइंट की भी देखनी है सीलिंग तो ये अपने से बड़ा जो कंप्लीट नंबर है उधर ले जाएगा तो वन पॉइंट वन की सीलिंग क्या होगी टू इससे ऊपर वाला नंबर जो कंप्लीट इंटीजर है वो क्या है टू है ओके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन क्लेम्स आर राइजेज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग लेकिन मैथमेटिकली कैसे उसको बताएंगे बताने का ये का जी. किसी भी फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आप लोगों ने बताना है तो ये फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने का रोल है लेट एफ बी फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड लेट एक्स ऑन एक्स टू बी टू पॉइंट के ऊपर दो पॉइंट्स है तो तो से लेस ही रहे ये यह यहां पे उसने अगर नहीं एक्स वन एक्स टू के हिसाब से नहीं बनाया मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए आ... कार्टियन प्लेन में ड्रा कर ली है इसके अंदर कोई एक फंक्शन हम ले लेते हैं ये टाइप का अब ये देखें यहां कहीं पे x1 दोनों केसेस में उसने कहा है कि x1 वन लेस देन एक्स तो x1 पहले ले लेता हूँ और x2 जो है वो बाद में ले लेता हूँ अब x1 पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो f ऑफ x1 होती है और x2 पे x2 के सामने जो वैल्यू होगी ये फंक्शन को थोड़ा था सा बढ़ा लेता हूँ ये जो वैल्यू होगी ये होगी। अब देखें लेस हाँ पढ़ते हैं इसको पहले वाले को ये कि बड़ा हो एफ ऑफ एक्स वन से बाद वाली वैल्यू बड़ी है पहले वाले से तो इसको हम कहते हैं फंक्शन इनक्रीजिंग है हाँ जी ये देखें एफ ऑफ एक्स टू बड़ा है एफ एक्स वन से इंक्रीजिंग ये जबकि दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं कि फंक्शन ऐसे ना हो बल्कि किस टाइप का हो कि एफ एक्स वन बड़ा हो यानी कि एफ एक्स टू छोटा हो एफ एक्स वन से यानी कि एफ एक्स वन बड़ा हो और एफ ऑफ एक्स टू लेट्स सपोज यहां कहीं

इवन एंड ऑड में क्या है एक डेफिनेशन हम पढ़ते रहे हैं कि इफ क्या आप लोग किसी भी फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें और दोबारा से वही फंक्शन उसका आंसर आ जाए वही एफ ऑफ एक्स उसका आंसर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो इवन फंक्शन है जबकि दूसरी तरफ अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया जाए और आंसर वही आ जाए लेकिन नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्ड फंक्शन है ये इवन और आर्ट फंक्शन की बात हो गई तो इवन और आर्ट फंक्शन का ये भी है कि हमारे पास ये देखें कि जो इवन फंक्शंस हमारे पास याद रखिएगा कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं वाई एक्सिस हम कि वाई एक्सिस को अगर आप देखें तो इवन फंक्शन का जब भी ग्राफ बनेगा वो दोनों साइडों पे एक जैसा होगा दोनों साइडों पे एक जैसा होगा जबकि जो आर्ड फंक्शन का ग्राफ है वो सीमिट्रिक अबाउट ओरिजन होता है ये देखें ओरिजन के इस तरफ जैसा ग्राफ वैसा ही इस तरफ मतलब वो इधर हो सकता है पहले तीसरे में हो सकता है दूसरे चौथे में हो सकता है तो इस टाइप से आर्ड फंक्शन का बैरल जो ग्राफ होता है वो सीमिट्रिक अबाउट ओरिजन होता है और इवन फंक्शन का जो है वो सीमिट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है एक्सिस के दोनों तरफ ग्राफ एक जैसा होता है और चेक कैसे करते हैं सिंपली एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करें अगर आंसर वही आ गया वही फंक्शन आ गया तो इवन है और अगर डिफरेंट आ गया तो वो सॉरी डिफरेंट कह रहा हूँ नेगेटिव अगर बाहर कॉमन आ गया और वही आ गया तो ऑड है लेकिन बाज ऐसे भी तो होते ना कि जो इस टाइप के हों कि आप माइनस पुट करें तो ना ही वो पुराना आए और ना नेगेटिव कॉमन लेके कुछ आए हाँ। जिस जैसे कि एक्स प्लस माइनस वन पुट करें तो अब ना तो नेगेटिव बाहर आ रहा है कॉमन ना वही फंक्शन बन रहा है तो वो फंक्शन ना इवन होता है ना ही आर्ड होता है ओके okay. इसी तरह फिर हमारे पास आ, नेक्स्ट है जी अच्छा उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन के अंदर देखें एक्सा इक्वल टू एक्स उसमें वन ऐड किया वन ऐड किया ना तो उसका नया जो ग्राफ बना वो इधर यानि कि यूं कह लें कि लेफ्ट साइड पे ना वन यूनिट लेफ्ट साइड पे क्या हो गया शिफ्ट हो गया जब उसमें वन जो है वो प्लस किया हमने अच्छा या यूं कह कह सकते हैं कि ये वन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया ऊपर भी वैसे तो शिफ्ट हुआ है तो इसी तरीके से एक्सकेयर है एक्सकेयर के अंदर वन ऐड किया तो ये वन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया इसका मतलब असल बात तो ये है कि हमारे पास जब भी किसी भी फंक्शन के अंदर वन प्लस करते हैं एक्स है तो एक्स केयर प्लस वन किया एक्स केयर प्लस टू किया तो उतना यूनिट ऊपर वो जो शिफ्ट हो रहा है अच्छा इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, हम एक जनरल फंक्शन बिहेवियर देखना चाह रहे हैं मैं उन एग्जाम्पल्स की तरफ जाता हूँ चले वो पहले अभी उसने डिस्कस नहीं किया तो उसको उसी टाइम में डिस्कस करता हूँ अच्छा लीनियर फंक्शंस लीनियर फंक्शन वो होते हैं जिस जो एम एक्स प्लस बी टाइप के हों ठीक है एम एक्स प्लस बी टाइप्स के जब होंगे फंक्शन तो उसमें हमारे पास ये जो फंक्शन बनते हैं कि या आइडेंटिटी फंक्शन है तो उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं वाई का ग्राफ ये बनेगा y टू वन ओवर टू एक्स का ग्राफ ये बनेगा तो उससे नीचे वन ओवर थ्री करेंगे वन ओवर फोर करेंगे तो एक्स के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो स्लोप होती है वाई इज इक्ल टू एम एक्स प्लस के साथ जो चीज होती, होती है वो स्लोप होती है एक्स वन होगा तो मिडल में बनेगी लाइन और जैसे जैसे स्लोप बढ़ती जाएगी टू होगी थ्री होगी ये ऊपर जाता जाएगा जैसे जैसे स्लोप साथ में कम होगी तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स जब होगा तो वो मजीद ऊपर ग्राफ बनेगा लेकिन नेगेटिव थ्री होगी तो नेगेटिव साइड पे होगा तो इधर बनेगा इसी तरह y है, तो इस हमारे पास फंक्शन के ग्राफ जो है वो डायरेक्ट बता सकते हैं उसके बाद वाई इज इक्वल टू थ्री ओवर टू इसमें एक्स वाली टर्म है, नहीं। x वाली टर्म जिसमें है नहीं,

ठीक है तो इसका डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि के, के जी तो 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 होगी हो लेकिन अब ऐसे नहीं बनेगी वो लाइन कि वो ओरिजिन से पास करे प्लस सेवन है ना तो सेवन यूनिट ऊपर चली जाएगी यानी कि अब क्या कैसा उसने बनना है ग्राफ ने अब बनेगा तो ऐसा ही ग्राफ कि जिसकी स्लोप काफी ज्यादा हो आ, लेकिन वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा सेवन यूनिट पे मतलब कहीं ना कहीं ना यहां कहीं ये इस लाइन को भी वाई एक्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं कि वाई को काफी ऊपर जाके कट करेगा और ये स्लोप भी ज़्यादा होगी और काफ़ी ऊपर कट करेगा सेवन यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या अगर सेवन यहाँ कहीं छोटा होगा तो यहाँ कहीं कर लेता हूँ यूं कि स्लोप ज़्यादा होगी और सेवन यूनिट ऊपर जाके वो शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ वरना उसको ग्राफ आप लोग ड्रा भी उसका कर सकते हैं अच्छा जी एक चीज़ पता चल गई कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया हमारे लिए टू वेरिएबल वाई एंड एक्स आर प्रोपोर्शनल होंगे अगर ये एक दूसरे का नॉन नेगेटिव मल्टीपल के एक्स हो ठीक है और अगर वन ओवर एक्स टाइप का आपस में प्रोपोर्शनैलिटी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं उसको क्या कहते हैं अगर हमारे पास एक्स की कोई ना कोई पावर हो तो उसे पावर फंक्शन बोलते हैं और अगर एक्स बजाते खुद पावर में हो तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं वैसे अच्छा ये ग्राफ है बड़े अहम जो आपको जुबानी याद होनी चाहिए का ग्राफ ये होता है वाईजल टू एक्स केयर का ग्राफ ऐसे बनता है ये आप उनको उसी तरीके से माइनस टू से टू तक ग्राफ बना के ना वेरीफाई भी कर सकते हैं वाईजिकल टू एक्स क्यूब का अब हो क्या रहा है पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें फिर मैं इसको मजीद आप लोगों को ना इसका ग्राफ फिर आप देखेंगे जरा आसानी हो जाएगी आपके लिए ये मैं एक चीज ड्रा करने लगाऊँ अच्छा ये कार्टीन प्लेन मैंने ड्रा कर ली वैसे तो चाहिए थोड़ी सी ऊपर तक लाइन लगा लो अच्छा जब कार्टीन प्लेन ड्रा करी ना मैंने तो उसमें वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है वो ये बनती थी ठीक हो गया ये तो पहला ग्राफ ही है वही वाला ठीक है ना तो इसको तो मैं अभी रहने देता हूँ जब कहूंगा ना कि एक्स वाली तो एक्स कुछ ऐसे ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा मुझे स्मूथ कर बनानी है आपने ये मैं चूंकि कर सर नहीं प्रॉपरली आ रहा y equal to X अच्छा जब एक्स फोर करूंगा तो वो यूं वाई के करीब आ जाएगा थोड़ा सा एक्स सिक्स करूंगा तो यूं करीब आ जाएगा मतलब क्या हो रहा है जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वो वाई एक्सिस के करीब सुकड़ता जाएगा लेकिन जब क्यूब और फाइव होता है स्केयर में या एक्स मॉड में

एक्स सेवन का उनका बिहेवियर यूं रहेगा एक्स नाइन करेंगे तो मजीदली तो तो जैसा होगा एक्सर का एक्स फोर का एक्स सिक्स का इनका बिहेवियर एक जैसा होगा सिर्फ फर्क इतना होगा कि पावर बढ़ने पर यह वाई एक्सिस के करीब जो है वो सुकड़ती चली जाएंगे तो डायरेक्ट ग्राफ उनके आप लोगों को पता होना चाहिए वन ओवर एक्स का ग्राफ है हमारे पास क्योंकि जब जीरो पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाता है नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो वैल्यूज नेगेटिव आएंगे पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे तो ये वन ओवर एक्स का ग्राफ है ये वन ओवर एक्स स्केयर का है फर्क सिर्फ इतना है कि ये आर्ड था तो ये सीमेट्रिक अबाउट ओरिजन बना ये इवन था तो ये सीमेट्रिक अबाउट हमारे पास वाई एक्सिस बना है तो ये इसके ग्राफ हैं जी तो ग्राफ हमें पता होना चाहिए स्केयर रूट क्यूब रूट इस टाइप के जो फंक्शन हैं इसी तरीके सुन के ग्राफ से उनके ग्राफ्स भी हम ड्राफ करें

इसमें एक्स की जो पावर है वो इंटीजर नहीं है एक्स की पावर इंटीजर्स की शक्ल में हो ये जैसे भी है ये है ना इंटीजर्स की शक्ल में एक्स की पावर तो ये infinity infinity चलते ही जाते हैं जैसा मर्जी चेंज हो ये ग्राफ आप लोगों को यहाँ पे तो कंप्यूटराइज बने हुए हैं वरना कुछ प्रोसीजर ये होता है कि आप लोग इनका ग्राफ बना सकते हैं माइनस थ्री टू थ्री माइनस फोर टू फोर इनके कुछ वैल्यूज मतलब माइनस थ्री है माइनस टू पॉइंट फाइव माइनस टू माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो आप लोग इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और उनसे ग्राफ बना सकते हैं एक्स केयर रूट है एक्सकेयर रूट पे भी उसी तरीके से यहाँ पे जो डोमेन है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगी तो उस डोमेन के अंदर इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा तो ये डोमेन और रेंजेस इनकी आप लोगों को फंक्शंस की पता होनी चाहिए ये आप लोग डायरेक्ट फंक्शन को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं रैशनल फंक्शंस रैशनल फंक्शंस वो होते हैं जो कि पी एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में लिखे हुए होते हैं उनको रैशनल फंक्शंस का नाम दिया जाता है और uh, ये ऐसे होते हैं जिसमें क्यू ऑफ एक्स नॉन जीरो हो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स क्या हो नॉन जीरो हो वेल uh, well, ये उनके एक्चुअली ग्राफ्स हैं ये बने हुए हैं जब फंक्शंस हैं ये फंक्शंस की डेफिनेशंस के तौर पे ही हैं इनके ग्राफ आपको बनाने अगर आए भी तो ये बहुत uh, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइप के ग्राफ आप लोगों को अदर देन फॉर्म कभी कहा जाएगा अगर कहा भी जाए तो एक्स की जगह पर जीरो, जीरो वन करके, ग्राफ आप बनाएंगे इसका अप्रोक्सीमेटेड से मुराद ये है कि आप लोग जब इसका ग्राफ लेट सपोज ड्रा करने लगे ना तो वन जब पुट करेंगे तो उस पर जीरो हो जाता है तो आपको देखने में लग सकता है उस टाइम वक्ती तौर पर इसका जो ग्राफ होगा ना जब जब भी आप लोग बनाएंगे तो आप लोग इसका ग्राफ हो सकता है कि ऐसे बना रहे हो कि जब आप लोगों ने एक्स और वाई लाइन ड्राई करी तो आप लोगों को लगे कि इसका बिहेवियर ये ऐसा है ये सेकंड ग्राफ की बात कर रहा हूं तो आप या तो इतना ही ड्रा कर दें या बाद में आप यूं कह दें कि हो सकता है ये यूं जा रहा हो आगे क्योंकि आगे वैल्यू नहीं पता कि नीचे जा रहा था या हो सकता है दूसरा कैंडिडेट कहता है नहीं जी ये दोबारा से यूं कर बनेगी लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये बिहेवियर डिफरेंट है और ये बिहेवियर आगे वाला डिफरेंट है तो बाई इनका चेंजिंग बिहेवियर रहता है हमारे पास का इसको में आप लोग कभी भी नहीं लेंगे लीनियर्स का ये होता है कि आप लोग डायरेक्ट प्रिडिक्टिंग मोड में ले सकते हैं हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के जो ग्राफ्स थे जितने भी ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने किए होंगे कि ये ऐसे थे कि आप लोग कुछ वैल्यूज क्योंकि ये पीरियोडिक होते हैं तो जैसे 360 वैल्यूज के लिए एक बार आपको पता चल गया या 180 वैल्यूज के लिए आप लोगों को पता चल गया तो ये उन्हीं वैल्यूज को बार बार क्या करते रहेंगे रेपिटेशन उनके लिए क्या आते रहेंगे बार बार रिपीट होते रहेंगे वैसे ही फंक्शन जो है ये दोबारा से बनते रहेंगे तो इसमें आपने क्या करना है हर फिफ्टीन डिग्री के बाद की वैल्यूज आप लोग जो है वो बनाते रहे हर फिफ्टीन डिग्री के बाद आप लोग जो है वो जब ड्रा करेंगे तो आप लोगों के पास जो नेक्स्ट आंसर्स हैं वो आते चले जाएंगे तो ये साइन का और कॉज का ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया हुआ है माइनस वन और वन के लिए कैसे ड्रा किया हुआ है जीरो पे वैल्यू क्या है जीरो कॉज सॉरी साइन की ये पाई का मतलब वन एटी तो दरमियान में नाइन्टी है नाइन्टी पर वैल्यू क्या है वन वन एटी पर क्या जीरो टू सेवेंटी पर क्या माइनस वन थ्री सिक्सटी पर क्या जीरो इसी तरीके से आगे नाइन्टी नाइन्टी चलते चले जाएंगे फोर फोर्टी पे वन तो ये इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस ग्राफ जो है वो बनते चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन

नेगेटिव वैल्यूज पे तो बिल्कुल ही जीरो को टचिंग uh, मोड में होता है तो y, 3x है, हो चला, ये यहां से इतनी तो, ज्यादा चेंजेस नहीं आती यहां से थोड़ी ज्यादा चेंजेस आती रहती है पॉजिटिव वैल्यूज पे चूंकि पावर का ज्यादा इंपैक्ट रहेगा तो टेन एक्स है um, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जिस तरह ऊपर होता है माइनस साइड पे उतना ही नीचे होता है ये देखें लेकिन ये चूंकि होते ही जीरो के बहुत करीब है तो ये टेन वाली वैल्यू नेगेटिव साइड पे सबसे नीचे होगी थ्री वाली वैल्यू उससे ऊपर होगी टू वाली वैल्यू सबसे ऊपर होगी जबकि पॉजिटिव साइड पे आती है वो कि ना रेसिप्रोकल जिसे आप लोग कह लें एक दूसरे के उल्ट होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे दोनों पे तो ये इनके ग्राफ्स हैं ग्राफ्स का बिहेवियर इनका आप लोगों को पता होना चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन का भी यही बिहेवियर रहेगा कि नेगेटिव लेट्स सपोज बेस 10 है 10 लॉग 10 हमारे पास 1 होता है तो 1 से पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो जितना uh, हमारे पास बेस छोटी होगी उतना ग्राफ ऊपर बढ़ेगा जितनी बड़ी होगी बेस उतना नीचे होगा लेकिन नेगेटिव साइड पे जिसका लॉग के बेस ज्यादा है वो ऊपर जिसकी uh, कम है वो नीचे लेकिन इसके आंसर्स नेगेटिव लोगोर्थम के कभी भी नहीं आते इस वजह से पॉजिटिव साइड पे रहेंगे मतलब वाई नेगेटिव रहा एक्स की वैल्यू नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता है। इस वजह से सिर्फ एक्स पॉजिटिव पे फंक्शन पे डिफाइन होगा हमारे पास ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस हमारे पास वो होते हैं जो कि अल्जब्रैक uh, नहीं होते और uh, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लोगार्थनिक फंक्शन है ये इस टाइप के फंक्शन हैं हमारे पास ये कैंट्री फंक्शन भी ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन है दो खंभों के दरमियान में जो लटकी हुई तार होती है ठीक है ना ओके यहाँ पे इसकी को ग्राफ्स आप लोगों ने ड्रा करने हैं कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को गिवन है आप लोगों ने देखने हैं इनकी डोमेन और रेंजेस बतानी है यह फाइल आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगा इसका जो सोल्यूशन मैनुअल है जो इनके ग्राफ्स हैं ताकि आप लोग आप जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उनको साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकेंगे तो इसमें से इवन आर्ट फंक्शंस का आपको जो क्वेश्चंस हैं और जो ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन हैं वो जरूर पता होने चाहिए उसके बाद कंबाइनिंग फंक्शन शिफ्टिंग स्केलिंग ग्राफ ये मैं वो उस टाइम स्टार्ट करने लगा था कि जब सबसे पहले तो कंबाइनिंग है कि दो फंक्शन को अगर ऐड करें मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो उसका क्या इम्पैक्ट है तो इसको कंबाइनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं जैसे कि हमारे पास फंक्शन function है फंक्शन को ऐड करें तो क्या होगा फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा और डिवाइड करें तो क्या होगा दो फंक्शन को ऐड करने का सादा मतलब है कि उन दोनों के फंक्शनल वैल्यूज को एड कर दें सब्ट्रैक्ट करने का मल्टीप्लाई करने का यही मतलब है कि दोनों के फंक्शनल वैल्यूज को क्या कर दें डिवाइड uh, कर दें सिंपली डिवाइड करने का मतलब जो होगा हमारे पास अच्छा लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं डोमेन्स uh, की और रेंजेस की तो डोमेन जो है कंबाइनिंग फंक्शन में जो इन दोनों की फंक्शन की डोमेन का कॉमन हिस्सा होता है वो आ जाएगा कैसे इसकी डोमेन क्या थी एक्स के रूट की अगर याद हो तो जीरो टू इंफिनिटी इसकी डोमेन क्या थी वन माइनस एक्स की वन माइनस एक्स की एक्स ग्रेटर देन वन बल्कि एक्स माइनस वन जहां जहां पे पॉजिटिव होगा वो वैल्यू आती थी और वन टू इन्फिनिटी इसे हम बोलते थे नहीं बल्कि वन माइनस एक्स है ना तो इसको कहेंगे एक्स लेस देन वन वन से छोटा छोटा जब भी आंसर आएगा तब तक इसका गया। इनके तो देखें, इसकी तो है इन दोनों में फिर कॉमन हिस्सा कौन सा आ गया ये जीरो से आगे वाला सारा है ये माइनस इन्फिनिटी से वन तक है तो जीरो से वन तक हिस्सा वो है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है तो जीरो से वन जो है वो इसकी डोमेन होगी यानी कि कॉमन डोमेन्स

डोमेन निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप लोगों ने उसके जो लाएदा -लाएदा पार्ट्स हैं उसकी डोमेन निकाल लेनी है और उनमें जो हिस्सा कॉमन है वो उस फंक्शन की डोमेन के तौर पर सामने आ जाता है तो ये प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए किसान मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कंबाइनिंग जो पार्ट है उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट की जाती है कंपोज़िट फंक्शन एफ ऑफ जी x इंटर क्लासेज में ये भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से था एफ ऑफ जी ऑफ x भी कहते हैं एफ ऑफ जी ऑफ x कहते हैं क्या f हमारे पास अगर कोई फंक्शन एक्स वाई पे था देखे ना जी हमारे पास है फंक्शन एक्स से जी ऑफ x पे और फिर उस पर फंक्शन एफ लगा दें तो एफ ऑफ जी ऑफ x हो गया तो एफ ओ जी एक डायरेक्ट फंक्शन हमने आप फाइंड आउट करना है तो ये कैसे फाइंड आउट होते हैं वो देखते हैं सबसे पहले x दे f दे रखा है g दे रखा है f और g ऑफ x का मतलब है f ऑफ g ऑफ x f ऑफ g ऑफ x का मतलब क्या है कि फंक्शन f के अंदर जहां-जहां x था वहां पे g ऑफ x लिख दें x की जगह पे g ऑफ x लिखते हैं और g ऑफ x है क्या x 1 का स्क्वायर रूट g ऑफ f ऑफ x तो g के अंदर जहां-जहां x है वहां पे f ऑफ x लिख दें और फिर एफोफ एक्स की वैल्यू वहां पे पुट कर दें तो ये आप लोगों के पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की वैल्यूज आती चली जाएंगी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऐसे ही फाइंड आउट करना आप लोगों को आना चाहिए शिफ्ट फार्मूलाज ये थ्योरेटिकल आपको याद होनी चाहिए बात कि शिफ्ट फार्मूला है क्या चीज शिफ्टिंग ऑफ फंक्शन या शिफ्टिंग ऑफ अ ग्राफ क्या चीज होती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वर्टिकल शिफ्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या है इसको हम देखते हैं सबसे पहले वर्टिकल शिफ्ट है जी हमारे पास प्लस के दो तरीकों से ना फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू एड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है कैसे वो क्या है कि वाइज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के है तो फंक्शन के अंदर फंक्शनल वैल्यू के अंदर को कांस्टेंट ऐड कर दे और एक है कि आप फंक्शनल वैल्यू में एक्स की जगह पे कोई और वैल्यू ऐड कर दें तो एफ ऑफ एक्स प्लस के अगर किया ना आप लोगों ने तो ऐसा करने से किसी फंक्शन के अंदर प्लस या माइनस करने से फर्क यह पड़ता है कि उसके अंदर वर्टिकल शिफ्ट आता है अगर आप के प्लस कर रहे हैं तो उतने यूनिट ऊपर चला जाएगा के माइनस कर रहे हैं तो उतना यूनिट नीचे आ जाएगा इसी तरह यह देखें पहले इसको इसी की एग्जांपल देख लेते हैं ये देखें एक्स केयर के है एक्स केयर में

देखें एक्स स्केर था एक्स स्केयर के अंदर टू माइनस कर दिया तो ऐसा करने से शिफ्ट तो आता है लेकिन अपोजिट आता है कि टू माइनस करेंगे तो टू यूनिट राइट पे शिफ्ट होगा और टू प्लस करेंगे तो टू यूनिट बैक पे शिफ्ट होगा यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट किया है तो फिर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे नेगेटिव कांस्टेंट है तो फिर आप लोग जो है वो राइट right साइड पे शिफ्ट करेंगे अच्छा ये इकट्ठा हो गया काम इकट्ठा क्या मॉड फंक्शन था ना मॉड में टू माइनस कर दिया मॉड के अंदर टू माइनस कर दिया तो आपको अगर याद हो ना तो मॉड फंक्शन होता कहां पे था मैं पहले वो ड्रा कर देता हूं फिर आपको चीज समझाता हूँ मॉड फंक्शन ना ऐसा होता था पहली बात ये टू एक्स माइनस टू मॉड किया तो ये इसे यहां आना चाहिए था ये टू यूनिट आगे आ जाता लेकिन ये थोड़ा सा नीचे भी चला गया उसकी वजह कि माइनस टू करने से टू यूनिट आगे आ गया, गया और फिर माइनस वन करने से वन यूनिट डाउन भी चला गया तो वन यूनिट मजीद डाउन होने से ये यहां पे पहुंच गया तो इसके अंदर दोनों बिहेवियर हैं कि मॉड फंक्शन में से टू माइनस करने से टू यूनिट आगे और वन माइनस करने से वन यूनिट नीचे आ गया ये तो इसमें दोनों बिहेवियर आ गए उसके बाद मजीद कुछ और फॉर्मूलाज हैं बेसिक टाइप के ऑरिजेंटल के और वर्टिकल शिफ्ट के ये बातें आपको याद रहनी चाहिए कि अगर कोई कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो स्केलिंग जैसे कहते हैं अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो

y की तरफ ले आया और वन ओवर थ्री किया तो नीचे की तरफ कंप्रेस कर दिया ठीक है ना ये y एक्सिस के वाले से बात कर रहा हूँ कि y एक्सिस की तरफ यानी कि उधर को स्ट्रेच या कंप्रेस स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे कंप्रेस करेंगे नीचे की तरफ जबकि दूसरी तरफ फंक्शन के अंदर जिस तरह स्केयर रूट था स्केयर रूट के अंदर थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर एक्स एक्सिस के हिसाब से स्ट्रेच करने का मतलब होगा कि इधर डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्सिस के हिसाब से स्ट्रेच करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सिस के हिसाब से कंप्रेस करेंगे हॉरिजेंटल के हिसाब से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्रेस करेंगे और स्ट्रेच करेंगे हॉरीजेंटली एक्सिस के हिसाब से और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन आएगी और फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव कर दें तो वाई एक्सिस ये एक्स के रूट है अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन आ गई ये एक्स के रूट था उल्टा हो गया एक्सिस के हिसाब से अगर नेगेटिव बाहर है और अगर नेगेटिव अंदर है तो वाई एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्शन आ गई इधर आ गया ये हमारे पास तो ये तीन चीजें आप लोगों को वहां पे याद होनी चाहिए वो टेबल को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है ओके okay, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जो कि यहाँ पे बने हुए हैं इसमें से भी कंपोजिशन फाइंड आउट करनी और उनकी स्केलिंग के बारे में बताना है तो कंपोजिशन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में से उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें सबसे पहले बेसिक आइडियाज देखने हैं कि तो उसके अंदर एंगल क्या चीज होती है एंगल क्या है जी एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज एंड रेडियन एंगल टू रेज हैविंग कॉमन कॉमन वर्टेक्स वर्टेक्स फॉर्म एन एंगल टू डिफरेंट रेज जिनका हो वो एंगल बनाती हैं और एंगल्स के दो यूनिट होते हैं रेडियन और डिग्रीज और रेडियन जो है ना एक प्लेन एंगल होता है जो कि दो रेडियाई के दरमियान तब बनता है जब उनके दरम्यान बनने वाली जो आर्क लेंथ है एस वो भी रेडियस के इक्वल हो ठीक है और उनका आपस में एक रिलेशन है कि अगर आर्क लेंथ को एस से रिप्रेजेंट करें रेडियस को आर से अंदर वाले एंगल को थीटा से तो याद रखें एस इज इक्वल टू आर थीटा जब थीटा को अगर रेडियन में मैयर किया जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है उसके बाद पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है हमारे पास और वन रेडियन जो है वो 180 एटी ओवर पाई डिग्रीज के या यूं कह सकते हैं कि 57.3 डिग्री के इक्वल होता है और वन डिग्री जो है वो 0.017 रेडियन के इक्वल होता है डिग्रीज और रेडियन का आपस में कंपैरिजन दिखाया हुआ है ये कैसे मालूम करते हैं डिग्री को रेडियन बनाना है तो डिग्री वाले एंगल को पाई बाई वन से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियन बन जाएंगे और रेडियन को डिग्री बनाना है तो वन ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे बस इसकी ये कन्वर्शन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए दूसरी बात हमेशा एक्स एक्सिस जो होता है ना वो इनिशियल रे के तौर पे काम करता है और उधर से काउंटर क्लाकवाइज अगर हम जाए टर्मिनल रे की तरफ जाने के लिए काउंटर क्लाकवाइज जाए तो पॉजिटिव एंगल बनता है और नेगेटिव एंगल बनता है अगर हम क्लाकवाइज मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये चूंकि पीरियाडिक होते हैं तो पूरा एक चक्कर काटने के बाद भी आप दोबारा वहीं पे आ जाए तो एंगल वही रहता है इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी एंगल के दौर अंदर पाई या कर सकते हैं इसको उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की को। उसके बाद ये हमारे पास अगर इस टाइप की एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो राइट एंगल ट्राइ में टोटल सिक्स टाइप के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं साइन कोसाइन टेंजेंट को सिकेंड सिकेंट और कोटेंजेंट इसके अंदर जो

ट्रायंगल के हिसाब से थीटा अगर यहां पे बन रहा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर वाई है और बेस जो है वो एक्स है तो और हाइपोटेनियस आर है तो साइन थीटा हमारे पास वाई ओवर आर होता है cos थीटा x r होता है और tan थीटा y x होता है यानी कि अगर x y और z कंपोनेंट के वाले से आप लोग देखते हैं तो xy और r r क्या है उनकी x2 y2 दोनों का स्क्वायर रूट तो ये xy के फॉर्म में भी दूसरा tan cot और tan जो है वो sin और cos होता है cot जो है वो 1 tan होता है यानी कि tan का प्रोकल cot होता है secant का प्रोकल cos होता है और cosec sin का प्रोकल जो है वो cosecant होता है कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये फार्मूलाज आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं जो फोर्टी फाइव की थर्टी की और सिक्सटी की वैल्यूज है ये टेबल प्रिपेयर करना आप लोगों को मैं एक दे दूंगा सेपरेट से पेज कि आप लोगों की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेन के ठीक है ए एस टी सी तो इसने एक बड़ा ही जबरदस्त कैलकुलस एक्टिवेट स्टूडेंट्स थिंकिंग इसको अगर आप लोग uh, याद रखते हैं तो कैलकुलस एक्टिवेट स्टूडेंट थिंकिंग ये इस तरीके से सी ए एस टी के नाम से याद रख सकते हैं ठीक है इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में जिसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं इसमें कॉज पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं सेकंड में साइन पॉजिटिव थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव तो ये कॉज जब पॉजिटिव होगा तो जाहिर है कॉज का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा आल पॉजिटिव हैं तो वो तो हैं ही सारे पॉजिटिव साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव टेन पॉजिटिव है तो टेन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव यह टेबल बना हुआ जी नाइनटी वन एटी टू सेवनटी थ्री सिक्सटी तमाम वैल्यूज के हिसाब से कि जीरो पे क्या वैल्यू है यहाँ से शुरू करें नेगेटिव वैल्यूज़ भी याद रखें तो उस याद रख लें वरना जीरो से थ्री सिक्सटी तक का जरूर देखें कि जीरो वन ओवर टू मा रूट टू ओवर टू स्केयर उयर रूट थ्री ओवर टू स्केयर टू ओवर टू वन ओवर टू जीरो ये इसका टेबल जब मैं बनाऊंगा आप लोगों के सामने हैंड रिटन तो उससे आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इन वैल्यूज़ को याद रखना भी बहुत आसान है टेबलेटेड फॉर्म में उसके बाद पीरियडिसिटी है फंक्शन की पीरियडिक से मुराद ये होता है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ एंगल के बाद दोबारा से वही वाली वैल्यूज देना शुरू कर दे हमें तो उससे हम कहते हैं कि वो फंक्शन पीरियडिक है और सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक होते हैं कि कुछ मखसूस एक खास वक्त के बाद ये अपनी वैल्यूज को क्या करना शुरू कर देते हैं रिपीट करना शुरू कर देते हैं लेकिन कितनी देर के बाद वो रिपीट करना शुरू कर देते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो पीरियोडिसिटी देखते हैं तो टेन और काट जो है ना इनका पीरियड पाई होता है कि ये पाई डिग्री के बाद वही वैल्यूज देना शुरू करते हैं तो ये हमारे पास जो काज और साइन काज को सेकेंड और सेकेंड है साइन काज और इनके रेसिप्रोकल उनका टू पाई है तो इसमें टू पाई ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब ये है कि साइन टेन और काट का पीरियड पाई है और साइन और काज और इनके रेसिप्रोकल्स का पीरियड जो है वो टू पाई है तो वो इसी तरीके से हमारे पास ये जो नेक्स्ट है फंक्शंस uh, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या अगर कॉज और साइन और टेन इन सब में बात करें तो सिर्फ कोसाइन फंक्शन ऐसा है जो कि इवन है इवन से मुराद ये कि जैसा ये पॉजिटिव साइड पे वैसा ही नेगेटिव साइड पे यह इन तमाम के छह के छह ट्रिगनोमेट्रिक के ग्राफ बने हुए हैं ये देखें ये जैसे जैसे आप इधर आते हैं वैसे वैसे बैक साइड पर भी है सिकेंड और कॉज को देखें तो ये दोनों इवन फंक्शन है जबकि बाकी सारे जो हैं जैसे ये राइट right साइड पे हैं वैसे लेफ्ट साइड पे हैं जीरो के लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है इसको आपने ध्यान करना है कि जीरो से आगे और पीछे दोनों का बिहेवियर अगर एक जैसा है वो सिर्फ कॉज और सेकेंड uh, में है तो आपने इनकी डोमेन और रेंज दोनों के नीचे लिखी हुई है ये प्रिपेयर करनी है और इनके ये कि अगर कॉज और साइन में माइनस अंदर पुट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी सब में नेगेटिव बाहर आ जाती है इनके बाकी सारे जो है चार्ज हैं वो ऑर्ड फंक्शन है उसके बाद डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इनशाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें बल्कि ये इसको मैं करवा देता हूँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर थ्री बेसिक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वन प्लस टेंसर थीटा इक्वल टू सिकेंसर थीटा वन प्लस थीटा केयर इक्वल टू को सिकेंस थीटा और फंक्शन में कॉज अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूलाज ठीक है और माइनस के अगर करने हैं तो बी की जगह पे माइनस बी पुट कर दे तो आपके पास वो टू और फार्मूलाज आ जाएंगे डबल एंगल फार्मूलाज हैं फिर ये कॉज टू थीटा का और साइन टू थीटा का हाफ एंगल फार्मूलाज हैं

तो वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेस आता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये ना जो आप लोगों ने दो टेबल पढ़े थे कि फंक्शन के अंदर स्केलिंग और शिफ्टिंग कैसे होती है तो ये सारा एक ही के अंदर उसने एक्सप्लेन कर दिया कैसे किसी भी फंक्शन में वन कांस्टेंट प्लस करते हैं तो वर्टिकल शिफ्ट आता है किसी भी फंक्शन के अंदर प्लस या माइनस करते हैं तो हॉरिजेंटल शिफ्ट आता है किसी भी फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हॉरिजेंटल स्ट्रेच या कंप्रेस आता है किसी फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वर्टिकल स्ट्रेच या कंप्रेस आता है तो ये डायग्राम जो दो टेबल आप लोगों ने स्केलिंग और शिफ्टिंग के पढ़े थे उन टेबल्स को देखते हुए इस एक डायग्राम से इकट्ठा आप लोगों ने बिहेवियर जो है वो चेक करना है तो बस जी इससे वाले से इनशाला हम देखेंगे और इसको फिर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ ये जो ग्राफ यहां से बना है ये उस डेफिनेशन को कैसे फॉलो करके बना हुआ है तो इतना आप लोग कीजिएगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं इसकी एक जस्ट इनशालापल की एक्सप्लेनेशन और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर की तरफ जाएंगे यानी कि इसके अंदर ए मल्टीप्लाई हुआ था तो यूनिट क्या हो गया ये इसके अंदर स्ट्रेचिंग बल्कि इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अगले उसमें अलग-अलग ग्राफ बना के उस ग्राफ को ऊपर नीचे उठा के हम देखेंगे ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह